हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो बच्चों, आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम उमंग पुस्तक में संकलित पार्ट 12 जीवन का प्रभात का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 92 पर। एक्सरसाइज नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ें। पक्का भवन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों, आपने पाठ तो पढ़ा ही है, तो आपको ये भी पता है कि पक्का भवन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड दिया गया है गहरी नींव। आइए इसकी सहायता से आंसर कंप्लीट सुने। पक्का भवन बनाने के लिए गहरी नींव का होना आवश्यक है। आगे देखें, विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य क्या है? बच्चों, कर्तव्य यानी फर्ज। आगे देखें, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? नेक्स्ट इज, विनम्र होना क्या है? आगे देखें, हर प्रकार के सांचे का रूप कौन ले लेता है? बच्चों, बाकी आप पाठ के आधार पर इनके आंसर्स को स्वयं करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो बच्चों, विस्तार यानी डिटेल। आइए रीड करें पहला प्रश्न। विद्यार्थी जीवन की नींव की तुलना लेखक ने किससे और क्यों की? तो बेटा, सबसे पहले आप एक वर्ड करेक्ट करेंगे, विद्यार्थी को कट करके व्यक्ति के लिखेंगे, जैसा मैंने आपको लिखकर दिखाया है। व्यक्ति के जीवन की नींव की तुलना लेखक ने किससे और क्यों की? बेटा, यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं विद्यार्थी, भवन। तो बच्चों, कंप्लीट आंसर सुने। व्यक्ति के जीवन की नींव की तुलना लेखक ने विद्यार्थी के जीवन से की है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में उस जीवन भवन की नींव का निर्माण होता है। तो चलिए बेटा, आगे देखें। विद्यार्थी के लिए संस्कृत में कौन सी पंक्ति लिखी गई है? प्रस्तुत पाठ में श्रद्धा का क्या अर्थ बताया गया है? इससे क्या होगा? आगे देखें, विद्यार्थी जीवन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है? आगे देखें, विद्यार्थी में धैर्य होना चाहिए यानी धीरज होना चाहिए, लेखक ने कैसे समझाया? स्पष्ट कीजिए। आगे देखें बेटा, पुस्तक का प्रभाव कब और क्यों पड़ता है? बच्चों, अब आप पाठ के आधार पर इनके आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, सही विकल्प पर टिक लगाइए यानी MCQs। तो बेटा, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, उसके साथ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। जो ठीक आंसर है उसे आपने अंडरलाइन और टिक करना है। आइए नंबर 1 रीड करें। पक्की नींव वाले मकान क्या सहते हैं? मनुष्य की मार, भूकंप के झटके, कंक्रीट व सीमेंट का भार और पृथ्वी का भार। तो बेटा, अब आपको सभी को करेक्ट आंसर पता है ना, भूकंप के झटके। अब आप इससे पहले वाले स्क्वायर पे टिक लगाएंगे और इसको जिग जैग करेंगे। ओके बेटा, आगे देखें, कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कैसे करता है? इंद्रियों को वश में रखकर, शैतानी करके, मन इधर उधर लगाकर, निरंतर बातों में व्यस्त रहकर। आगे देखें, विद्यार्थियों को अपने जीवन का अंग किसे बनाना चाहिए? पौष्टिक आहार को, भ्रमण को, जंक फूड को, व्यायाम को। आगे देखें, विद्यार्थी को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? धन पर, नींद पर, चरित्र बल पर और वाद विवाद पर। बच्चों, अब आप पाठ के आधार पर इनके आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। तो बेटा, सबसे पहले क वाला देखें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो बेटा, जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है वैसे ही आप फॉलो करेंगे पैटर्न को। सबसे पहले आप लिखें संकेत, उसके आगे लिखें शरीर, सब बच्चे हाइफन डालेंगे और लास्ट वाला कीवर्ड देखें, लिखेंगे साधनम। ओके बेटा, उसके बाद आपको आशय में कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो आइए रीड करें। प्रस्तुत, प्र,
आधा स त को उ त प्रस्तुत उमंग उ म के ऊपर बिंदी ग उमंग। आगे देखें जीवन का प्रभात। अगला कीवर्ड देखें बेटा श्लोक आधा श ल को ओ क श्लोक कालिदास शरीर धर्म ध म के ऊपर रेफ धर्म साधन और शरीर स्वस्थ आधा स व आधा स थ स्वस्थ। अब कंप्लीट आशय सुने बेटा। प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग में से पाठ जीवन का प्रभात का है। यह श्लोक कवि कालिदास जी द्वारा रचित है। इस श्लोक का भाव यह है कि शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है। दुनिया भर के अच्छे काम हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। आगे देखे ख वाला श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पहर सैतेन्द्रिय। बेटा इस आशय के कीवर्ड्स देखें प्रस्तुत उमंग जीवन का प्रभात श्लोक गीता ज्ञान ज्ञ को आन ज्ञान श्रद्धा तत्पर सैतेन्द्रिय। प्रस्तुत भाव हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ जीवन का प्रभात में दिखाई दिया है। इस भाव को श्रीमद् भागवत गीता से एक श्लोक के रूप में लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ज्ञान में श्रद्धा यानी विश्वास रखने वाले विद्यार्थी को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल श्रद्धा की ही नहीं बल्कि ज्ञान में तत्परता की भी आवश्यकता होती है। अर्थात जो विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर यानी तैयार रहता है वही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त एक विद्यार्थी का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना भी बहुत आवश्यक है। इन गुणों के समावेश से ही एक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर पाता है। बेटा अब आप इसे ध्यान से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ओके बेटा एक्सरसाइज नंबर 5 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आज हम अनसीन पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड करें फिर डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स फिर रीडिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और उनके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखें विनय से क्या तात्पर्य है। बेटा यहाँ पर नहीं मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा विनय से क्या तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यानी अर्थ, तो सब बच्चे करेक्ट कीजिए पहले। आगे देखें जब विरजानंद स्वामी का पैर कूड़े के ढेर पर पड़ा तो उन्होंने क्या किया। आगे देखें दयानंद का अपने गुरु के प्रति कैसा व्यवहार था। आगे देखें जो विद्यार्थी सत्यनिष्ठ नहीं होता है वह कैसा होता है। आगे देखें बेटा सत्य वचन कैसे होने चाहिए और क्यों। तो आइए बेटा अब हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। आत्मगौरव बड़ा आ आधा त म ग को आओ रव आत्मगर्व यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे देखें विनय हम्बल अध्ययन काल यानी स्टडी पीरियड। आगे देखें प्रज्ञा चक्षु यानी विजडम आई। आगे देखें बेटा अविचलित यानी बिना हिले। आगे देखें सत्यनिष्ठा यानी सच्चाई पर विश्वास रखना। उचित यानी सही। कड़वा यानी बिटर BITTER बिटर। असत्य यानी झूठ। तो चलिए बेटा अब हम पैराग्राफ रीड करें। किसी के आगे व्यर्थ गिड़गिड़ाने को दब्बूपन को विनय नहीं कहती। आत्मगौरव की रक्षा करते हुए भी विनय बना जा सकता है। विनय व्यक्ति सबका प्रिय होता है।
महर्षि दयानंद परम गुरु भक्त एवं विनम्र थे। अध्ययन काल में एक बार वे गुरु जी की कुटिया में झाड़ू लगाने के बाद उसका कूड़ा उठाना भूल गए। प्रज्ञा चक्षु गुरु स्वामी विरजानंद का पैर उस कूड़े के ढेर पर पड़ गया। उन्होंने क्रोध में भरकर पूछा, किसने डाला है यह कूड़ा? दयानंद बोले, गुरु जी मुझसे भूल हो गई। गुरु जी ने सोटा लेकर दयानंद को खूब मारा पीटा। विनयी दयानंद अविचलित खड़े रहे। गुरु का क्रोध शांत होने के बाद दयानंद उनसे बोले, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा मेरे कारण। लाइए आपके हाथ पैर दबा दूं, दुखने लगे होंगे। यह है विनयशीलता। चरित्र बल का महत्वपूर्ण अंग है सत्यनिष्ठा। वैसे तो सत्यनिष्ठा से आसान कुछ भी नहीं है। जो बात जैसी है उसे वैसी ही बिना नमक मिर्च लगाए कह दो बस। लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। कभी कभी लोभ लालच या दबाव के कारण व्यक्ति सत्य से दिख जाता है, जो उचित नहीं। सत्य के मामले में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सत्य बोलें पर वह सत्य वचन कड़वा ना हो, प्रिय हो, लेकिन ऐसी बात भी ना कहें जो असत्य हो। तो चलिए बेटा, अब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। विनय से क्या तात्पर्य नहीं है? तो बेटा अभी अभी आपने पैरा रीड किया, हो सकता है आपको आंसर मिल गया होगा। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 93 पर, किसी के आगे व्यर्थ गिड़गिड़ाने को दब्बूपन को विनय नहीं कहते। क्लियर? आगे देखें। जब विरजानंद स्वामी का पैर कूड़े के ढेर पर पड़ा तो उन्होंने क्या किया? आगे देखें। दयानंद का अपने गुरु के प्रति कैसा व्यवहार था? आगे देखें। जो विद्यार्थी सत्यनिष्ठ नहीं होता है वह कैसा होता है? आगे देखें। सत्य वचन कैसे होने चाहिए और क्यों? बेटा अब आप इनके आंसर्स को ढूंढकर मार्क करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। भाषा की बात। एक्सरसाइज नंबर 1, भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चों भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 1 देखिए। प्रयोग, प्रयोग की भाववाचक संज्ञा बनेगी प्रायोगिकता। प्र को आ, य को ओ, ग को ई, क त को आ, प्रायोगिकता। आगे देखें। बच्चा, बच्चा से बना बचपन। आगे देखें। व्यक्ति, तो बच्चों व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा बनेगी व्यक्तित्व। आगे देखें। सुंदर, सुंदर सुंदरता। मीठा, मिठास। हंसना, हंसी। एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है धरातल। धरातल का पर्यायवाची शब्द है सतह एंड तल। इसी तरह से सुंदर सुंदर लाइन के नीचे आपने लिखना है जैसा मैंने आपको लिखकर दिखाया है। आगे देखें। सूरज, सूरज का पर्यायवाची होगा रवि, दिनकर। आगे देखें बेटा। चांद, शशि, श शकोई शशि म्यंक, म य के ऊपर बिंदी क म्यंक। आगे देखें। प्रकाश, प्रकाश यानी रोशनी उजाला। एक्सरसाइज नंबर 3, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रत्यय होते क्या है। शब्द का वह अंश जो शब्द के पीछे लगकर उसका रूप बदल देते हैं। तो आइए पहला शब्द देखें, प्रयोग। बेटा अगर हम प्रयोग में एक शब्द लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्रायोगिक। प्र को आ, य को ओ, ग को ई, क, प्रायोगिक। आगे देखें। बच्चा, बच्चा के पीछे हम पन शब्द लगाएंगे तो ये बनेगा बचपन। आगे देखें। जलाना, बेटा यहाँ पर शब्द है जलना। सब बच्चे आ की मात्रा हटा दें और यहाँ पर आपने शील प्रत्यय का इस्तेमाल किया है तो ये बनेगा जलन प्लस शील, जलनशील। आगे देखें। व्यक्ति, तो बेटा
व्यक्ति के पीछे आपने तव शब्द लगाया तो आपका शब्द निकला व्यक्तित्व। आधा व य आधे का कोई की मात्रा त आधा त व व्यक्तित्व। आगे देखें डरना, डर प्लस आना से बनेगा डराना। आगे देखें प्रकाश, प्रकाश प्लस इत तो आपका शब्द बना प्रकाशित। प्र क को आ श को ई त प्रकाशित। आगे देखें मीठा, मीठा प्लस आई तो शब्द बना मिठाई। म को ई ठ को आ ई मिठाई। आगे देखें हंसना तो इसका प्रत्यय लगेगा हंस प्लस आना तो ये बनेगा हंसाना। आगे देखें सुंदर, सुंदर प्लस ता सुंदरता। अब बेटा आप सुंदर सुंदर यहाँ पर लिखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। बेटा ये जो कारक चिन्ह है इन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इनके चिन्ह है ने को मे का के की इत्यादि। तो आइए इनकी सहायता से वाक्य पूरे करें। तो नंबर 1 देखिए बेटा, विद्यार्थी डैश मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, को, विद्यार्थी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आगे देखें गुरुजनों डैश प्रति आदर भाव होना चाहिए। नेक्स्ट इज पढ़ने डैश मन लगाकर जुटे बिना बात नहीं बनती। कुल्हाड़ी डैश पेड़ काटा जाता है। आगे देखें बंदर जंगल डैश घूमते हैं। बच्चों अब आपने सुंदर ढंग से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और इस पार्ट की अच्छे से दोहराई करनी है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।